द अदर 167 में आपका स्वागत है, सभी लोगों को जय मसीह की। और बाइबल से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो कि है यशाया का किताब, उसका 53 अध्याय 5वां वचन, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 एंड वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यहाँ पर यशाया यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, और ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है, वो यीशु मसीह है। और क्रूस पर जो यीशु मसीह का मृत्यु होने वाला है, उस बारे में यशाया यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे अपराधों के कारण उसको वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया, और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया और क्रूस पर उसने मृत्यु क्यों पाया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर गया। क्यों हमारे लिए वो क्रूस पर गया? क्योंकि हम अपराधी थे, हमारे जीवन में पाप था, हम बहुत सारे गलतियां कर चुके थे। हालेलुया। हमारे जीवन में बीमारी थी, हमारे जीवन में अशांति थी, हमारे गलतियों के वजह से, हमारे अपराधों के वजह से यीशु मसीह को वो क्रूस पर जाना पड़ा, और उस क्रूस की मृत्यु को उसे अपने शरीर पर सहन करना पड़ा। और बाइबल कहता है उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया। हालेलुया। और उसने कोड़े खाए, उन कोड़े खाने के द्वारा, वो दर्द के द्वारा उसने हमारे शरीर के लिए चंगाई दी है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे वजह से वो गया, आपके और मेरे कारण वो क्रूस पे गया। बाइबल कहता है कि कोई भले मनुष्य के लिए कोई मर भी सकता है, परंतु परमेश्वर ने इस रीति से हमारे लिए अपना प्रेम दर्शाया कि जब हम पाप में थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए कोई कंडीशन रख के वो क्रूस पे नहीं गया कि तुम पहले सुधरो, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर मैं क्रूस पर जाता हूँ। नहीं, जब हम पाप में थे, हालेलुया, हमारे पाप में रहने के बावजूद, हालेलुया, हमारे गलत होने के बावजूद वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए क्रूस पे गया, बिना कोई हमारे लिए कंडीशन रखे कि तुम ये करो या तुम वो करो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो हमसे प्यार करता है, हमारे अपराधों से हमें छुड़ाना चाहता है, हमारे गुनाहों से, पापों से हमें छुड़ाना चाहता है, हमारे बीमारियों को वो ले लेना चाहता है अपने शरीर में। इसलिए वो प्यार हमारे लिए, जो प्यार है, वो प्यार ने यीशु मसीह को क्रूस पे लेके गया। हालेलुया। परंतु ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम में से जो मेजर परसेंटेज जो मुझे सुन रहे हैं, वो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो एक मसीह परिवार से है, आप मसीह पे विश्वास करते हैं, परंतु क्रिश्चियन होने के बावजूद क्या अभी भी ये लिखे गए चीज़ें आपके जीवन में है? कौन से लिखे गए चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अपराध क्या आपके जीवन में है? क्या आपके जीवन में अधर्म है अभी भी? क्या आपके जीवन में अभी भी गुनाह है, गलत काम है? अगर परंतु यीशु मसीह ने ये सभी चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया क्रूस पर, परंतु अभी भी क्यों ये सब चीज़ें आपके जीवन में है? क्योंकि आपने मसीह होने के बावजूद आपने उस क्रूस के कार्य को नहीं समझा है। पौलुस कहता है गलितियों की पत्री उसका 2:20 में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह मेरे द्वारा जीवित है, और ये जीवन जो मैं शरीर में अभी बिता रहा हूँ वो मैं परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास के द्वारा बिता रहा हूँ जो मुझसे प्यार करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मसीह जब ही क्रूस पे चढ़ाया गया और मारा गया, मेरा पुराना जीवन, मेरे अपराधों का जीवन, मेरे गुनाहों का जीवन उसके साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुड फ्राइडे में या सिर्फ पैशन वीक में पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, वो पिक्चर देखते हैं, और मसीह क्रूस पे जा रहा है उसको देख के रोते हैं और मसीह के क्रूस के कार्य को याद करते हैं। इतना काफी नहीं है, हर एक दिन और हर एक सेकंड हमें मसीह के क्रूस को उठा के चलना है, उसके क्रूस के द्वारा दुनिया के बातों के तरफ हमें मरना है। मसीह में
हम लोग गाड़े गए और मसीह जैसे कि मृत्यु में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, मसीह के साथ हम जिलाए गए। अभी ये जो नया जीवन है, इस नए जीवन में कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप, हालेलुया, होना नहीं चाहिए। अगर अभी भी अपराध में है, अभी भी गुनाहों में है, पुराने जीवन में, उसका मतलब आप मसीह के साथ अपने आप को आपने क्रूस पे नहीं चढ़ाया, आपने क्रूस के कार्य को नहीं समझा। मेरे प्रियो, मसीह ने आपके लिए इतना दर्द सहा, उसने अपना लहू बहाया, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका मांस फाड़ा गया। ये क्रूस का दर्द, हालेलुया, उसने आपके लिए सहा है। तो अपने मसीह जीवन को कैजुअली ना ले, अपने मसीह जीवन को सीरियसली ले। हालेलुया, आज इस क्रूस के कार्य को अपने जीवन में स्वीकार करें। हालेलुया, कि मसीह यीशु, मैं आपके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। आज मैं निर्णय लेता हूँ कि जितने भी अपराध में कर रहा था, गुनाह में कर रहा था, जानबूझ के पापों में मैं अभी भी हूँ, वो सारे चीजें प्रभु मैं छोड़ता हूँ। हालेलुया, आपके क्रूस के कार्य को मैं ग्रहण करता हूँ कि आपने मेरे अपराधों को ले लिया है, आपने मेरे गुनाहों को ले लिया, और उन गुनाहों और अपराधों में मैं वापस से नहीं जाना चाहता। हालेलुया, मैं एक नया जीवन बिताना चाहता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आपको एक नए जीवन में बुला रहा है जो उसके सामर्थ्य से, प्यार से और आत्मा से भरा होगा, जिस जीवन में आप अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, परंतु मसीह यीशु, पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर सभी को आशीष देगा और ब्लेस यू।